मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रामनवमी का पर्व श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर गोरक्ष पीठाधीश्वर ने गोरखनाथ मंदिर में नौ कुमारी कन्याओं और एक बटुक भैरव की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्र पर विधि विधान से कन्या पूजन कर अपने हाथों से कन्याओं को भोजन कराया और दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माँ भगवती के नौ स्वरूपों के प्रतीक नौ कन्याओं और एक बटुक भैरव के पांव पखार कर उन्होंने पहले पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर में पहुंचे अन्य बच्चों को भी उसी श्रद्धाभाव के साथ भोजन कराया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश एवं प्रदेशवासियों को रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लगभग 500 वर्षों बाद प्रभु के पावन धरती अयोध्या में प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर बन गया है। हम सभी लोगों को प्रभु श्रीराम का अनुसरण करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस अवसर पर सबसे पहले प्रदेशवासियों को बासंती नवरात्रि की मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। बासंती नवरात्रि की नवमी तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन जन्म दिन की तिथि है, यानी राम नवमी के रूप में ही यह तिथि विख्यात हो गई। हजारों वर्ष पहले अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ के पुत्र के रूप में साक्षात सृष्टि के पालक विष्णु ने अवतार लेकर के धर्म सत्य और न्याय की स्थापना इस जगत में किया था। स्वाभाविक रूप से इस बार की नवमी अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। अयोध्या धाम में हर्षोल्लास है, उमंग है। लगभग 500 वर्षों के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर उनके पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो पा रहा है। रामनवमी के भी इस पावन अवसर पर सभी सनातन धर्मावलंबियों को, प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं।